आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन हरियाणा पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो हम देखेंगे कि हरियाणा में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसा है पॉलिटी बेसिकली जब हम पॉलिटी की बात करते हैं दैट मींस द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हरियाणा पॉलिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितना भी फ्रेमवर्क या किसी लॉ से रिलेटेड जितना भी फ्रेमवर्क हरियाणा में मौजूद है उस सब के बारे में हम बात करेंगे इन क्लासेस में आज की पर्टिकुलर क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा सबसे पहले हम देखेंगे कि हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे ऑर्गेनाइज्ड है जैसे बहुत बेसिक चीज जो हमें पता होती है वो ये कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं वी सिंपली नो दैट इतने डिस्ट्रिक्ट हैं एक स्टेट में बट डिस्ट्रिक्ट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट एक स्टेट जो होती है फॉर एग्जाम्पल हरियाणा की ही हम एग्जाम्पल लेते हैं अगर हरियाणा एक स्टेट है तो पहली बात तो ये कि वो स्टेट क्यों क्रिएट की जाती है Why isn't द एंटायर कंट्री वन सिंगल गवर्नमेंट जैसा कि कई कंट्रीज में होता भी है There आर certain कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन यूरोप

एडमिनिस्ट्रेटिव convenience. इसका यह मतलब नहीं है कि कोई और रीजन नहीं हो सकता देर कैन बी अदर रीजन एज वेल और कारण भी हो सकते हैं जैसे कि आ, किसी एथनिसिटी को रिप्रेजेंटेशन देना किसी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देना या फिर किसी स्पेशल एरिया की स्पेशल नीड से डिस्कस करना जैसे कोई बॉर्डर इशू हो या कुछ भी हो तो उस केस में उस प्रोविंस को अलग से पावर दे दी जाती है बट देर इज वन थिंग दैट इज कॉमन अमंग ऑल इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री को एक सिंगल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करे दिस इज नॉट पॉसिबल फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देन वाई इज देयर अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईच ऑफ दीज कंट्रीज इंडिया की एग्जाम्पल लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर क्या काम रह जाता है इफ देर आर ऑल दी स्टेट्स टेक केयर ऑफ ऑल द फंक्शंस द की इज कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो सारे फंक्शंस नहीं देखती दे लुक आफ्टर ओनली द स्टेट फंक्शंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सेवेंथ शेड्यूल में इन द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव डिवाइडेड द फंक्शंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स सेंटर के अपने कुछ फंक्शन है एक लिस्ट है जिसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है फॉर एग्जाम्पल डिफेंस आर्मी नेवी एयरफोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस जितना भी इंडिया का डिफेंस है वो प्राइमरीली नॉट प्राइमरीली एक्सक्लूसिवली इज विद इन द डोमेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है